बिजनौर के किरतपुर के मोहल्ला जाटन में बीती रात 7:30 बजे टावर की दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई तथा 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के चलते लोगों में रोष दिखा जा रहा है। मोहल्ला जाटन के निवासियों का कहना है कि वहां लगे 3 टावर को हटाया जाए और अगर हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया गया तो हम बोर्ड का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि टावर के एक पिलर को हिलता हुआ आप सीधा देख सकते हैं, अन्य बिजली की सप्लाई लाइनें खुली पड़ी हैं, जिससे वहां के लोगों का कहना है कि टावर के पास से गुजर रहे लोगों ने दीवार में करंट का एहसास किया। आपको बता दें ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले बीते वर्ष भी वहां घटना हो चुकी है। इस बड़ी घटना के चलते वहां कोई भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ चाहिए। और अगर इस बात मामले पे जिला प्रशासन गंभीर नहीं होता तो यहाँ पर मोहल्ले के सारे लोग जिम्मेदार मौजूद हैं। हमारे लोगों को फिर मजबूर होकर वो कदम उठाना पड़ेगा कि जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को जवाब नहीं दे पाएंगे। हम वोट का भी बहिष्कार कर सकते हैं, हम चुनाव में वोट नहीं देंगे जब तक ये टावर यहाँ से हटाए ना जाए। ये सारे लोग मेरी बात से सहमत है। इसके लिए ये नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, इस नगर पालिका के चुनाव में हम मजबूर होंगे, फिर हम वोट नहीं करेंगे। हमें ये टावर यहाँ से हटे हुए चाहिए। और ये टावर जो लगे हैं, ये संचार मंत्रालय जो करोड़ों रुपया खाता है उसने लगाए हैं। यहाँ नगर पालिका की कोई परमिशन नहीं है, यहाँ जिले की कोई परमिशन नहीं है, तो पैसे के बल पर यह तमाम जनता को कैंसर पैदा किया जा रहा है, गंभीर बीमारी पैदा की जा रही है। और यहाँ की जनता, मोहल्ले जाटान के लोग, ये मौत के साए में जी रहे हैं। इस बच्चे की घटना जो है, इससे प्रशासन को जागना चाहिए, जिला प्रशासन को जागना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्हें तुरंत इन 3 टावरों को इन्हें सील करा देना चाहिए और इन्हें बस्ती से बाहर करा देना चाहिए।